चंडीगढ़ पर अधिकार को लेकर पंजाब और हरियाणा में ठन गई है। दोनों राज्यों का इस पर अधिकार को लेकर विवाद बड़ा हो चला है। दरअसल पंजाब में भगवंत मान सरकार ने चंडीगढ़ को पंजाब के हवाले करने का प्रस्ताव पास किया है, जिसका हरियाणा तीखा विरोध कर रहा है, क्योंकि चंडीगढ़ पर अधिकार को लेकर हरियाणा भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। राज्य की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने इसको लेकर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। ये विशेष सत्र 5 अप्रैल को बुलाया गया है। सीएम खट्टर ने खुद कहा कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का अधिकार है। पंजाब वालों की नजर है चंडीगढ़ पर, कहीं लेके ना चले जाएं। आप मजबूत रहना, कहीं नहीं जाने देंगे। आपके हाथ में है सर मंत्रिमंडल, वो बनाया एक दिन का सेशन, क्या कुछ रहने वाला है? पूरे हरियाणा की जनता जब तक साथ है, जब तक हमारी मजबूती, हम बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, कहीं कोई कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी थी, है और रहेगी। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब विधानसभा में रेजोल्यूशन पास करने को लेकर कहा कि चंडीगढ़ दोनों राज्यों पंजाब और हरियाणा की राजधानी है और रहेगी भी। दोनों राज्यों के बीच केवल चंडीगढ़ का ही मसला नहीं है, बल्कि कई मुद्दे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ के कर्मचारियों की मांग और उनके हित में केंद्रीय सेवा नियम लागू करने का निर्णय लिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में खास करके नेशनल जो फेडरलिज्म का एक प्रक्रिया होती है, उसमें ये बातें बैठ करके आपस में जो निर्णय किए हुए होते हैं उसी को स्टिक रहना होता है। वन साइडेड ऐसा जो इन्होंने किया है ये निंदा योग्य है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। और पंजाब हरियाणा एक जो हमारा राजीव लोंगोवाल का समझौता है वो आज का नहीं है, लगभग 35-36 साल पहले का समझौता हुआ था। उस समझौते के हिसाब से राजधानी वो हरियाणा की भी है, राजधानी पंजाब की भी है, और अगर किसी प्रकार की कोई बातें होती हैं तो वो आपसी केंद्र सरकार, पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, कई मुद्दे मिले जुले मुद्दे हैं ये। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने चंडीगढ़ में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए केंद्र के नियम लागू किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस संबंध में घोषणा की थी, जिसके बाद पंजाब के सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल केंद्र के इस फैसले पर सवाल उठा रही है। राज्य के सीएम भगवंत मान ने चंडीगढ़ को तत्काल पंजाब को ट्रांसफर करने की मांग करते हुए राज्यसभा में एक प्रस्ताव पेश किया था।